बरसात के मौसम में यूं तो गरीबों के घरों की छतें ज्यादा गिरती हैं, लेकिन जब बात प्रशासनिक लापरवाही की हो तो ये हादसा सरकारी कर्मचारियों के साथ भी हो सकता है। जब सर पर मौत का खतरा मंडरा रहा हो और प्रशासन चैन की नींद सो रहा हो और अंधेरी रात में भरभराकर छत नीचे गिर जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। ये तस्वीरें इशारा करती हैं लापरवाही की ओर। दरअसल हांसी में रेलवे पुलिस चौकी की छत गिर गई। हादसा रात 2:30 बजे हुआ, जब 2 पुलिस कर्मचारी अंदर सो रहे थे। गनीमत ये रही कि जैसे ही छत से लेंटर के टुकड़े गिरने शुरू हुए तो कर्मचारियों की नींद खुल गई और दोनों समय रहते कमरे से बाहर आ गए, जिसके कुछ सेकंड बाद ही छत धड़ाम से नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था कि मानो मौत ने दोनों पुलिस कर्मचारियों को वक्त दिया हो अपनी जान बचाने का। बिल्डिंग ये काफी पुरानी है। अब बारिश का मौसम देखते हुए IOW सरसा को मैंने 16 जुलाई को पत्र लिखा था, बिल्डिंग में दरार आ चुकी है, आप इसकी मरम्मत कराएं। उनके व्हाट्सएप पे भी भेजा था, बाई हैंड भी लेटर भेजा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई सुनवाई नहीं करी। और आज 24 जुलाई 2022 को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करीब 3-4 बजे हमारे 2 कर्मचारी इसके अंदर सो रहे थे, अचानक इसका लेंटर गिर गया। गनीमत यह रही कि कर्मचारी बच गए, उनकी जान बच गई, भाग के बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। और इसके बाद में हमने हमारे अधिकारियों को और रेलवे अधिकारियों को भी सूचित किया गया। रेलवे अधिकारी आज आए भी थे, लेकिन उन्होंने बस यही कहा है भाई आप इस बिल्डिंग को खाली कर दें और अपना सामान बाहर निकालें। हमने कहा भी आप हमें दूसरी बिल्डिंग मुहैया कराएं, लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना है हमारे पास दूसरी कोई बिल्डिंग नहीं है, आपको इसको खाली करना पड़ेगा। बता दें कि इमारत काफी पुरानी है। चौकी प्रभारी भूप सिंह ने बताया कि उन्होंने 16 जुलाई को रेलवे निर्माण विभाग को पत्र लिखकर चौकी की खस्ता हालत के बारे में सूचित भी किया था, लेकिन विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। भूप सिंह ने बताया कि बारिश के कारण छत टपक रही थी और दीवार में दरार आई थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन कर्मचारी बाल बाल बच गए। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।